कॉनिचिवा एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज की मॉर्निंग घर पर नहीं हो रही है, आज की मॉर्निंग हो रही है बाहर। जी हाँ, मैं आई हूँ बाहर अपना माई नंबर लेने। माई नंबर इज जस्ट लाइक आधार कार्ड। एक्चुअली मेरा वीज़ा रिन्यू हुआ है तो सारे कार्ड्स भी फिर से न्यू लेने पड़ते हैं। तो वीज़ा एक्सपायर हो गया था, फिर से रिन्यू कराया, इसलिए मेरा माई नंबर कार्ड जो है फिर से लेने आई हूँ। आप जहाँ आई हूँ ना, मैं आई हूँ वार्ड ऑफिस। आपने मेरे पहले के ब्लॉग में वार्ड ऑफिस देखा ही होगा, अक्सर मेरे आना जाना रहता है। वायु का भी यहाँ से पिक किया था, तब भी ब्लॉग बनाया था, तो आपने देखा होगा मैं सही आई हूँ अपना माई नंबर कार्ड लेने। और वायु की टेंशन आपको हो रही है, मत लीजिए, क्योंकि वायु है अपने पापा के साथ। क्योंकि वायु का है आज वर्क फ्रॉम होम, और वायु का नहीं, वायु के पापा का आज वर्क फ्रॉम होम, तो वायु को देख रहे हैं। मैं यहाँ से फटाफट से पिक कर लेती हूँ अपना माई नंबर कार्ड, उसके बाद मुझे घर जाना है, केक भी बनाना है, बहुत सारे काम है। डे है फ्राइडे, बता देती हूँ, आज का ब्लॉग आज ही अपलोड होगा और कल है बर्थडे। ये वही ऑफिस है, बस यहाँ अंदर से मुझे लेना है, अंदर से मैं पिक करूँगी। और अंदर जो है वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं पहले अपना कार्ड पिक कर लेती हूँ। 707 मेरा नंबर है। कार्ड का काम हो गया है और घर पर ही आएगा बाय पोस्ट। बस मैं जो फॉर्मेलिटीज थी वो मैंने कर दी। कुछ फॉर्म था वो फिल करना था, जो स्क्रीन दिखाई थी ना, स्क्रीन पर भी फॉर्म फिल करना था और एक हार्ड कॉपी भी करनी थी। अब मैं निकल रही हूँ फटाफट से घर, और घर पे बहुत सारा काम। पूरे लाइन तक बड़े सुंदर से फूल लगे हुए हैं। हो चुका है, मैं निकल रही हूँ सीधे घर और मिलूंगी आपसे डायरेक्ट घर। हो सकता है वायु उठ गया हो, तो चलिए अब सीधे घर पे मिलते हैं। हाँ, मैं अपना काम करा के आ गई हूँ। नीचे देखिए, छोटा बच्चा नीचे बैठा हुआ है। कहीं वायु भी बड़े की ब्लॉगिंग ना करे, कैमरा देखे खुश हो जाता है, रिएक्ट करता है। और अब मैं नाश्ता कर लिया, दूध एप्पल का कर लिया, और अब मैं बनाने जा रही हूँ केक, और बना रही हूँ कंडेंस मिल्क। आपको दिखाती हूँ कैमरा करके की तरह फैली हुई। सुबह ही सुबह तन्वी दे गई थी कुकर, और देखिए यहाँ बनने जा रहा है मेरा कंडेंस मिल्क। यस, कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर से केक बहुत अच्छा बनता है। यहाँ वायु का खाना, ये देखिए यहाँ बन रहा है मेरा कंडेंस मिल्क। धूप बाहर बहुत तेज है। अरे अब नहीं हो रही, बस बन नहीं पाएगा। जब ये कंप्लीट बन जाएगा तब तो इसमें थोड़ा सा एक चुटकी बेकिंग सोडा डालते हैं, फिर ठंडा करेंगे। मिल्क मेरा बन के तैयार हो गया है। आधा लीटर दूध में बस इतना सा बना है, फिर हो गई ना धूप तेज। हाँ तो चलिए, दूध की बात चली रही थी, आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ और दिखाऊँ का। हाँ बेटू, क्या कर रही भैया? हाँ देखिए, मुझे दूध का मुझे बताना था। देखिए यहाँ बहुत टाइप्स के दूध आते हैं, तो वही हमारी भी कैटेगरी हो गई है। ये CA वाला दूध पीती हूँ मैं, ये फुल क्रीम वाला शुद्ध देसी भैंस का, या ये पीते हैं वायु के पापा, और ये गाय वाला दूध पीता है वायु। मतलब हम तीन लोग हैं, तीनों के दूध अलग अलग हैं। ये है जैस्मिन टी। हाँ अभी गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए मैंने अभी इसे कुछ बनाया नहीं है। मेरे कितना आतंक मचाया था, उसके बाद मैंने उसको अंदर सुला दिया है। और यहाँ लंच में बनाया है राइस, ये है चोखा एंड दाल, और देखिए किचन की हालत, और इसमें पक रहा है मेरा केक। सेम ही डे है, घबराइए मत। शाम को, सॉरी दोपहर में लंच करके बहुत ज़्यादा मैंने लंबा गैप ले लिया था, वायु को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ों में लेट हो गई। और सामान लेके आ रही हूँ, काफ़ी कुछ सामान कम भी था तो सोचा एक वॉक भी हो जाएगी, और कहीं नहीं जा पाए। हस्बैंड का लास्ट मोमेंट तक रहा ऑफिस, इसलिए अब घर जाके मैं बनाऊंगी बालूशाही। यस, बहुत ही ज़बरदस्त वाली रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट घर। गाइस देखिए, आ गए हैं हम। वायु कहाँ आ गई बेटी? वायु एंड पापा, दिखा दो वायु को पापा। देखिए जैसे ही मैं घर आई, पता चला हस्बैंड फ्री हो गए, और उन्होंने कहा चलो चलते हैं वायु को ड्रेस लाने। तो हम आ चुके हैं मॉल, पीछे स्टारबग है, वहाँ कॉफ़ी शॉपी चल रही है लोगों की, और यहाँ वायु एंड पापा। वायु, वायु कहाँ आयो, कहाँ आयो? चलो आज बहुत काम था। मैंने अभी ना घर जाके कुछ बनाया नहीं, बस सामान रखा, जैकेट डाली और तुरंत निकल ली, क्योंकि इन्होंने कहा चलो जल्दी चलो, फटाफट हो गई मैं।
इधर देखो, इधर देखो जरा। अरे हंस दो, आज से ज्यादा आए भी नहीं तुम। चीज़ और मैं बता दूँ, मैं घर पहुंची, मैंने सामान जस्ट रखा और तुरंत जैकेट ये डाली और निकल ली। और एक ड्रेस मुझे वाइफ के लिए चाहिए, बटे यार ले लेना चाहिए कुछ। एंड ठीक है, तो फटाफट कर लेती हूँ मैं शॉपिंग। बेसिकली मुझे इसके लिए चाहिए था कंप्लीट जो सेट होता है। यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे हैं देखिए, तो मुझे ये तीन मैंने चूज़ किया है। तो गाइस देखिए, फाइनली एक ये पसंद किया है मैंने और एक ये पसंद किया है। दोनों में से एक लूंगी, जो भी अच्छा लगेगा, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। बताती इसमें क्या खासियत है। इंडिया में भी आने लूंगी, मेरा तो पहला बच्चा है तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। देखिए ग्लव्स पहनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से ये फोल्ड कर देंगे, ये ग्लव्स बन गए। और सॉक्स भी पहनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो सॉक्स बन गया। बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये मैंने वाली के लिए चूज किया है, ये वाला फाइनल करें, वही अच्छा वाला फाइनल करें। हाँ अच्छा है। तो गाइस ये वाला ड्रेस हमने फाइनल कर दिया है काफी देखने के बाद, और मुझे ना इसमें ग्लव्स और सॉक्स ना पहनाने का वो सीन बहुत अच्छा लगा। चलिए करा लेते हैं बिलिंग। बच्चे बड़ा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक कंप्लीट सेट है, कुछ भी अंदर पहना हो फटाफट ये पहना दो, लेके चलो आप जाके। मुझे घर पे और भी बहुत सारे काम है, तो निकलती हूँ फटाफट ये लेके, आपसे मिलती हूँ घर पर। चलो वायु। तो गाइस यहाँ बिलिंग हो गई, ड्रेस ले लिया है, चिकटॉक 3004 रुपीस का ड्रेस है, 3004 का। हाँ ड्रेस हमने खरीद ली, और अभी वायु सो रहा है और हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट। मैंने अपना ऑलमोस्ट काम कर लिया है, बस थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी है। डेकोरेशन किसकी, जो बॉक्स लाई थी, आपको दिखाती हूँ क्यों लाई थी। वायु की कैप, ये है 10 नंबर कैप, और ये कैप है हैंडमेड। ये नंबर 10 मैंने मार्केट से लिया है, बस ये कैप मैंने खुद बनाई है, क्योंकि इस टाइप की ना कैप मिल नहीं रही थी। बड़ी प्यारी सी कैप है, देखिए वायु लगाएगा इसे, क्योंकि बर्थडे पे जो ड्रेस पहनेगा ना, कुछ कुछ इसकी मैचिंग की होगी। ओके लीव इट। देखिए कुछ हैप्पी बर्थडे के टैग्स, ये मैंने फटाफट बना लिए थे, 4-5 हैं। और हाँ देखिए, ये मैंने बनाई हैं कोकोनट कुकीज़, जो कि बहुत टेस्टी लग रही हैं, हस्बैंड ने टेस्ट कर लिए हैं। और देखिए रस भरी मज़ेदार बालूशाही। तो गाइस बालूशाही हमने टेस्ट कर ली है, और जो कुकीज़ हैं वो तो बहुत ही टेस्टी बनी है, कोकोनट कुकीज़ है। रेसिपी मैंने किसी की शेयर नहीं की क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड जो नाइट के काम थे वो तो मैंने कर लिए, और बस मॉर्निंग में कल जो स्नैक्स बनेगा वो मैं बनाऊँगी। देखते हैं क्या क्या करूँगी, कुछ रेडीमेड है और कुछ हैंडमेड होगा। कोकोनट कुकीज़ क्या, एक तरीके से पैनकेक कह लीजिए, ये सॉफ्ट है खाने में, वैसी नहीं है, ये बहुत अच्छे से खस्ता बनी है, इस वजह से इस तरीके से है। दिखने में आई नो आपको बहुत यम्मी नहीं लगेगी, बट खाने में सुपर टेस्टी है। तो देखिए गाइस कैसी लगी मेरी पैकिंग, बहुत प्यारी लग रही है। तो ये टैग्स जो है ना हैप्पी बर्थडे के, मैंने खुद ने बनाए हैं। तो चलिए आधी प्रिपरेशन तो हो गई। टेंटेटेन। तो गाइस आपने मेरे कल के ब्लॉग में सुना होगा कि आपके रूए मैंने नहीं निकाले, तो ये है लिंट रिमूवर, हस्बैंड के कपड़ों के रूए। कभी कभी एक दो आ जाता है ना लिंट, तो उसको हटाने के लिए है लिंट रिमूवर। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इसका रिव्यू मैं आपके साथ करूँगी, लेकिन अभी नहीं, फ्री होके। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ और ब्लॉग को करूँगी यही एंड। कल बर्थडे ब्लॉग शार्प 8 PM अपलोड हो जाएगा। जो करेगा फर्स्ट कमेंट मेरे क्वेश्चन का, उसको मिलेगा एक अच्छा वाला गिव अवे गिफ्ट, और फिर उसके बाद मिलेगा 28 दिसंबर को। बीच में भी मिलेंगे, नवंबर का भी मिलेगा, लेकिन आज इस वाला बहुत अच्छा होगा। तो अभी मैं ब्लॉग को करूँगी यही एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो फिर भी सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। बाय बाय।